पारा शराब देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करेंगे खबरों की, और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सरकार की उन गाइडलाइनों की जो कि लोगों की सुरक्षा के लिए लगाई जा रही हैं। और बताया जा रहा है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे लोग ना जाएं, मास्क का इस्तेमाल करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। इसी के चलते बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में भी पाबंदी लगाई गई है, लोगों की भारी भीड़ वहाँ पर इकट्ठी ना हो इसलिए वहाँ पर रोक लगाई गई है। साथ ही साथ मंडी खुलने के वक्त में भी बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी नहीं लगेगी और जो लगेगी उसमें भारी भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, और मार्केट कमेटी ने इस बात को कहा है। मंडी खुलने के समय भी परिवर्तन किया गया है, साथ ही मंडी में अब भीड़ नहीं लगेगी और अब लोगों को फुटकर की सब्जियां भी नहीं मिलेंगी। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं दरअसल वो बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी की है, जहां मार्केट कमेटी ने मंडी खुलने के समय में परिवर्तन किया है। मंडी मार्केट के सेक्रेटरी ऋषि कुमार ने बताया है कि कोविड-19 जैसी महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा हरियाणा सरकार के दिशा निर्देश पर अब सब्जी मंडी खुलने के समय में भी परिवर्तन किया गया है, जिसके तहत मंडी अब सुबह 5 बजे से दोपहर 11 बजे तक ही खुलेगी और मंडी में से केवल फुटकर विक्रेता ही सब्जी खरीद पाएंगे, ताकि वे घर घर जाकर लोगों को उचित रेट पर सब्जी मुहैया करा सके। इसके अलावा आम आदमी अब सब्जी मंडी में सब्जी नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि उन्हें उनके घर के पास ही फुटकर विक्रेता सब्जी पहुंचाएंगे, जिसके चलते अब मंडी में ना तो भीड़ लगेगी और ना ही यहां कोरोना वायरस जैसी महामारी फैलने की आशंका ज्यादा बनेगी। लेकिन हमारे मुख्य प्रशासक महोदय हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड की तरफ से आदेश आए थे कि जी सब्जी मंडियों का समय अब बदल दिया जाए, कोविड महामारी को देखते हुए कुछ बचाव के सुझाव दिए गए थे उनके द्वारा। उन्हीं में से एक ये था कि सब्जी मंडियों का टाइम सुबह 5 बजे से दोपहर 11 बजे तक का रखा जाए और उसके बाद मंडियों में कोई कामकाज सब्जी मंडियों के अंदर ना हो। इसके अलावा दूसरा ये था कि सब्जी मंडियों में रिटेल का काम बिल्कुल बंद कर दिया जाए, जो रिटेलर्स उनको सब्जी मंडी से बाहर कर दिया जाए, शहर में जाके गली गली में बेचें, ताकि पब्लिक को भी आराम मिले और वो भी इस महामारी से बचें, घर में ही सब्जी वगैरह उपलब्ध हो जाए। इस उद्देश्य को देखते हुए दोनों चीज़ें दो कदम उठाए गए हैं। अब इसको आज थोड़ा सा हालांकि भीड़ रही है हमारी मंडी में, क्योंकि पहला दिन था लोग जागरूक नहीं थे, हमने अखबार वगैरह में निकलवा तो किया था, लेकिन धीरे धीरे एक दो दिन में इस चीज़ को हम कंट्रोल करते हैं। कब तक समझा जाए पूरी तरह लागू हो जाएगा? देखिए पूरी तरह लागू तो आज से ही मानी आप, क्योंकि हमने कल आदेश दे दिए थे, लेकिन आम जन तक अभी ये सूचना नहीं पहुँच पाई है कि सब्जी मंडी में आपको खुदरा में सब्जी नहीं मिलेगी, आपको अपने घर के सामने ही रेडी वाले सब्जी वालों से सब्जी कूट के खुदरा में लेना है। कुछ आगे थे लोग अनजाने में, तो आज तो उनको ऐसे हमने कुछ विशेष बात करेंगे अब उस खबर की जिसके चलते हाहाकार मचा हुआ है। हर जगह ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडरों की अस्पतालों में कमी है और प्लांटों में भी अब कमी आ रही है, जिसके चलते सरकार ने नए प्लांट लगाने की घोषणा की है कि सरकार जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है लोगों को उसकी पूर्ति कर सके, इसलिए सरकार ने करीब 550 नए प्लांट लगाने की भी घोषणा की है। ये बात केंद्र सरकार ने कही है। इसके चलते फरीदाबाद में ऑक्सीजन का प्लांट है जिस पर लंबी कतार लगी देखी गई। इस कतार में डॉक्टर लेकर मरीजों के परिजन भी इस कतार में खड़े नजर आए। लोग घंटों तक ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने का इंतजार करते रहे और लोग जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडरों को जमा कर रहे हैं। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ सेक्टर 25 की गली नंबर 6 स्थित ऑक्सीजन प्लांट पर लगी लोगों की लंबी कतार है और अस्पताल के लोग, मरीजों के परिजन, डॉक्टर भी इस कतार में शामिल है। यहाँ नज़ारा सुबह का है जब कोरोना संक्रमण का प्रकोप फरीदाबाद जिले में भी देखने को मिला, जहाँ सेक्टर 25 की गली नंबर 6 स्थित एक ऑक्सीजन के प्लांट पर लोगों की ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतार देखने को नजर आई। इस बार के कोरोना संक्रमण में एक खास बात ये नज़र आ रही है जिसमें मरीजों को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में लोग अपने घरों, अस्पताल में अतिरिक्त ऑक्सीजन गैस सिलेंडर भी जमा कर रहे हैं। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की और। फरीदाबाद में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते बनाए गए 3 कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसका औचक निरीक्षण करने के लिए खुद फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह सेक्टर 15 मार्केट में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों को जागरूक किया और कहा कि उचित दूरी बनाए रहें, साथ ही मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, समय समय पर हाथ धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें।
साथ ही दुकानों के बाहर नोटिस बोर्ड लगाकर लोगों को समझाने और हैंड सैनिटाइजर करने की भी और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी दुकानदारों को सख्त हिदायत दी। इतना ही नहीं, पुलिस आयुक्त ने उदाहरण देते हुए कहा कि जब हमें मच्छर काटते हैं तो बचाव के लिए हम मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं, वैसे ही कोरोना से बचने के लिए मास्क और 2 गज की दूरी का प्रयोग करें जिससे हम सब सुरक्षित रह पाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को भी कोरोना वायरस से बचने के सुझाव दिए ताकि लोगों को बचाने के साथ साथ वो खुद भी अपना स्वास्थ्य का ख्याल रख सके। ज्यादा थे और वहाँ होम आइसोलेशन में पेशेंट्स हैं तो वहाँ पर सरकार का फैसला हुआ कि लॉकडाउन लगाया जाएगा। तो लॉकडाउन का मतलब है कि जो एसेंशियल सर्विसेज है, सब दवाई है, ग्रोसरी है, तो वो तो चलती रहे, वो दुकानें खुली रहेंगी, बाकी बंद रहेगी। और जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है उस पर कोई अभी प्रतिबंध नहीं है। तो हम ये पूरा कोशिश कर रहे हैं कि इस जोन में जो है मूवमेंट रेगुलेटेड हो जिससे कि संक्रमण कोरोना का नहीं हो। बैंकों में गए आप, वहाँ पर नोटिस चिपकाने की बात कही है जाकि ताकि भीड़ भाड़ ना रहे, लोगों को समझ भी आए, जागरूकता भी रहे। मैं, हमने कहा कि अपने जो लोग खुले हुए हैं, कोई पूछे आपने लॉकडाउन में क्यों बंद खोल रखा है, तो नोटिफिकेशन रहे तो इसलिए खोल रखा है। फिर हमने उनको कहा है कि भाई अपना सोशल डिस्टेंसिंग का मार्कर वगैरह लगाइए और लोगों को मास्क पहनने के लिए इनक्रेज करिए, हैंड वॉश का सैनिटाइजर रखिए। तो लगे हुए किसी तरीके से स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखी जाए और इसको भगाया जाए। कुछ लोगों से इसको संदेश, कुछ अपील सर, कुछ ऐसा कुछ जो देखिए, बड़े सीधी सी बात है, जैसे मच्छर था या है उससे बचने के लिए मच्छरदानी लगाते कि नहीं, तभी बचाव होता है। मैंने कोरोना है तो नाक और मुंह से यह ट्रांसमिट होता है, जो नाक और मुंह से ट्रांसमिट होता है तो फिर कैसे बचें। एक हो गया कि इसको ढक लीजिए तो बचाव होगा, दूसरा कहीं छूने से ना लग जाए, हाथ साफ करते रहिए, दूसरा कि ये बहुत दूर तक ट्रेवल नहीं करता है मुंह से निकलने पर, तो 2 गज की दूरी पर रहिए। तो ये अगर इसको फॉलो करें, एक हम सेफ्टी बबल। बात करेंगे अब अगली खबर की और बताएंगे आपको कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन में 30 जिले के 3 क्षेत्रों को नोटिफाई किया गया है। ये नोटिफाई जो किया गया इन क्षेत्रों को, ये जिला मजिस्ट्रेट ने किया है और जिले के 3 क्षेत्रों को नोटिफाइड किया गया है। इन नोटिफाइड जोन क्षेत्रों में 1 हफ्ते तक लॉकडाउन रहेगा। आपको बता दें कि फरीदाबाद जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर गरिमा मित्तल ने जिले के 3 क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन के रूप में नोटिफाई किया है। इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन में 1 हफ्ते के लिए 26 अप्रैल शाम 5 बजे से 2 मई शाम 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इसी कड़ी में जब माइक्रो कंटेनमेंट जोन का दौरा किया गया तो देखा गया कि बाजार बंद कर दिए गए हैं, सरकारी आदेश का अनुसरण लोगों द्वारा किया जा रहा है। तो कहीं सरकार के नियमों को ताक पर रख कुछ लोग अपनी ही जान को जोखिम में डाल रहे हैं। बता दें कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके तहत 4 या इससे अधिक व्यक्ति बगैर अनुमति इकट्ठा नहीं हो सकते, इस पर पाबंदी है। इस दौरान मेडिकल स्टोर संचालक से सरकारी आदेशों पर जानकारी ली गई तो उनका कहना है कि हम सरकार का मान करते हैं, महामारी से बचना पहले ज्यादा जरूरी है तो जहान है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पूरे फरीदाबाद में लॉकडाउन लगाना चाहिए, केवल एक मार्केट में लॉकडाउन रहेगा तो दूसरे मार्केट में रश होगा और लोगों की भीड़ बढ़ेगी, स्थिति और भयावह हो जाएगी। वहीं एक ढाबा संचालक से जब बात की गई तो उनका कहना है कि लोगों को सख्ती से सरकारी आदेशों का पालन करना चाहिए, नहीं तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। बस हम सरकार से यही कहेंगे कि 2 वक्त की रोटी मिल सके इतनी छूट दे और हम अपना काम पूरे साफ सफाई के साथ करते हुए बेशक दो वक्त की रोटी ही कमाएं। अच्छा, क्योंकि पब्लिक मान नहीं रही, पब्लिक ठेलियों पर जो खड़े होकर के खाना खाती है और झुंड के झुंड दिखते हैं मार्केट में, झुंड के झुंड दिखते हैं। पब्लिक जब तक नहीं मान सकती जब तक लॉकडाउन नहीं लगेगा, और ये बिल्कुल सही, गवर्नमेंट का बिल्कुल सही होगा। इस एरिया में बताया गया कि बहुत सारे ऐसे एक्टिव केस हैं, उनको देखते हुए इन एरियाओं में ज़्यादा जो है सख्ती बरती जाएगी। पुलिस वालों ने आकर अपने जिप्सी से अनाउंसमेंट करके दुकानें सुबह अपने टाइम पर खुल गई थी, मालूम नहीं था लोगों को, दुकानदारों को। पुलिस वालों ने आके सारी दुकानें बंद करा दी और उससे भारी परेशानी तो हो रही है। कस्टमर आते हैं वापस चले जाते हैं, दुकानदार लोग परेशान हैं, सेल नहीं हो रही है। और कौन कौन सी दुकानें जो है उनको खोलने के आदेश हैं? पुलिस वालों ने बोला है कि केवल जो पब्लिक की ज़रूरत की चीज़ें, दवाई की दुकान है, मदर डेयरी है, दूध से रिलेटेड है,
उनको खोलने के अलाउड है पहले। अब घर में फैमिली वगैरह बच्चे हैं, उन्हें भी देखना हर चीज़ है, हमारे खर्चे भी हैं खुद के। अब वो यहाँ छोटा सा गुजारा कर रहे हैं तो वो भी बंद हो गया। अब ये भी नहीं कोई पीछे भी काम हो। खैर बड़े बड़े घर के तो रह भी लेंगे, उनके तो काम धंधे हैं बड़े बड़े, हम कैसे गुजारा करें। सरकार से तो यही विनती है हमारी, कैसे जैसे भी है कुछ और टाइम देखें, ओपन करें ये दुकानें हमारी, छोटे छोटे कार्ट हैं जो भी है, बस बीमारी को देखते हुए जो प्रशासन ने फैसला लिया है, कितना सही है गलत है, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहिए था? गलत ही है वैसे तो, एक टाइमिंग रखनी चाहिए थी कि उस टाइम पर दुकान मतलब खुल सकती है, एक टाइम होता है, 4-5 घंटे भी दे दें उसमें भी हम अपना काम चला सकते हैं, 2 रोटी खा रहे उसमें एक खा लेंगे, यही हो सकता है। बात करेंगे अब कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र पुलिस ने धोखाधड़ी से फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले गैंग का सहयोग करने के आरोप में एक पुलिस कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस कुरुक्षेत्र की स्पेशल डिटेक्टिव सेल ने की टीम ने धोखाधड़ी से फर्जी पासपोर्ट बनाने के गैंग का पर्दाफाश करते हुए आरोपी विक्रम वर्मा वासी अशोक विहार अम्बाला शहर, मोहित गुगलानी वासी गुरु नानक कॉलोनी पेहवा और सुमित वासी फरसल जिला कैथल हाल डकोली मोहाली पंजाब को गिरफ्तार कर उनके 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। आरोपी मोहित गुगलानी ने पुलिस रिमांड अवधि के दौरान पुलिस को दिए अपने बयान में बताया है कि उसने एक पुलिस कर्मी की मदद से इस प्रकार के और भी पासपोर्ट बनाए हुए हैं जिन पर भी पुलिस गहनता से जांच कर रही है। 19 अप्रैल 2021 को ये मामला दर्ज किया गया और सहयोग करने वाले पुलिस कर्मी हवलदार अशोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसको माननीय अदालत में पेश करके 1 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया ताकि अन्य वारदातों का भी खुलासा किया जा सके। ये जानकारी उप पुलिस निरीक्षक यातायात नरेंद्र सिंह ने दी। कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को पहले ही पकड़ लिया था और अभी चौथा जो इनके साथ मिला हुआ था वो अपना पुलिस का मुलाजिम था अशोक कुमार, उसको आज अरेस्ट करके और 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया। हेड कॉन्स्टेबल है जी, क्या कुछ इसने बताया, क्या मकसद रहा, पासपोर्ट क्यों उपलब्ध, कहां से पुलिस लेके आई? इसने जो बताया वो ये बताया है कि इसके पास वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट आया था, इसके इसने वेरिफिकेशन जानते हुए गलत एड्रेस की कर। पंजाब पुलिस में जी? नहीं, तेरा अपना तेवा थाने में ही पोस्टेड था ये। कुछ और भी खुलासे हो सकते हैं अभी इनसे? ट्राई है इसलिए पुलिस रिमांड लिया। पहले कितने लोग इस मामले में गिरफ्तार किए? इस मामले में कुल 3 लोगों की हम गिरफ्तारी पहले कर चुके हैं, जिसमें से 2 तो पासपोर्ट ऑफिस के और एक मोहित जो देवा का। मामला क्या था, कोई गैंगस्टर है ये पासपोर्ट वाला मामला है या कोई गैंगस्टर पासपोर्ट वाला? नहीं, ये कुछ लोग हैं जो पंजाब के हैं अलग अलग उसमें। चलिए खबरों में बात करेंगे अब पानीपत की और आपको बताएंगे कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पानीपत की रिफाइनरी में पहुंचे, जहां पर उन्होंने अस्पताल के लिए जो ऑक्सीजन का प्लांट लग रहा है उसका निरीक्षण किया। और आपको बता दें कि पानीपत व हिसार में 500-500 बेड का एक हॉस्पिटल जल्द ही बनकर तैयार होगा। इसके निरीक्षण के लिए ही सीएम खट्टर पानीपत की रिफाइनरी पहुँचे थे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पानीपत रिफाइनरी में पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने 500 बेड से बनने वाले अस्पताल व ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की ठीक से सप्लाई हो रही है, जितना कोटा तय किया गया था उन्हें उतना मिल रहा है और अन्य राज्य दिल्ली को भी उतना ही कोटा मिल रहा है, हमारा भी उतना ही कोटा है। जहां तक कोटा बढ़ाने की बात है तो ये केंद्र सरकार तय करती है। सीएम ने कहा कि पेशेंट कहीं भी इलाज करवा सकते हैं, चाहे वो हरियाणा का हो या किसी अन्य राज्य का। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के समय में ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, जितनी खपत है उतनी ही लागत हो रही है। उन्होंने कहा कि जहां पर ऑक्सीजन जल्द ही मिल पाएगी वहां 500 के बेड का एक हॉस्पिटल तैयार किया जा रहा है, जिसमें पानीपत रिफाइनरी व हिसार में 500-500 बेड के हॉस्पिटल तैयार किए जाएंगे। पानीपत रिफाइनरी में जगह देख ली गई है और PWD द्वारा उसे चिन्हित भी कर दिया गया है। कंपनियां भी मौके पर बुलाई गई हैं, जल्द ही इसका कार्य शुरू कर दिया जाएगा और 500 बेड का हॉस्पिटल तैयार किया जाएगा। हिसार मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है। प्राइवेट अस्पताल के बारे में उन्होंने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों पर नजर रखी जाएगी, अगर कोई भी किसी भी तरह की कालाबाजारी करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। वो आ जाता ही है,
जहाँ जहाँ उसकी आवश्यकता पूर्ति होती है वहाँ पेशेंट जाएगा, वो दिल्ली का हो हरियाणा का हो, अभी कोई बंधन नहीं है कि अभी किसी जगह के पेशेंट कहाँ जाएंगे। बीमारी है उसका इलाज करना ही हमारा दायित्व बनता है, फर्ज बनता है। देखिए मित्रों, जैसा हमको सबको मालूम है कि कोरोना के इस घटनाक्रम में ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी पड़ रही है, जितनी खपत है उतनी ही लिक्विड ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण से हमने यह तय किया है कि जहां जहां ऑक्सीजन गैस फॉर्म में मिल सकती है उन्हीं स्थानों के ऊपर हॉस्पिटल बनाए जाएं। तो ऐसे दो स्थान हैं, पानीपत रिफाइनरी और हिसार में जो जिंदल गैस प्लांट है, वहां 500-500 बेड के दो अस्पताल स्थानीय उसी जगह पर बनाए जाएंगे। उसी के निरीक्षण करने के लिए आज मैं आया था। आज मोटे तौर पर हमने जगह भी देख ली है और जो पीडब्ल्यूडी के लोगों ने जो चिन्हित की है जगह और जो कंपनी बनने वाली है वो भी सब आ गए हैं। हमारे जो इंडियन ऑयल के अधिकारी थे उनसे भी बातचीत हो गई है, कहाँ से गैस चलनी है, काम पहुंचनी है, शुरू करेंगे। तो मुझे लगता है कि शीघ्रता से इस काम को पूरा करेंगे तो 500 बेड्स जो है हॉस्पिटल बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। DRDO के आर्मी के लोग जो इंजीनियरिंग में गए उनका अभी तो चेंज नहीं हुई, अभी तो एक प्रपोजल था वो थोड़ी दूर थी, लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन अब एक नई जगह का प्रपोजल मैंने दिया जो बिल्कुल गेट के सामने है, तो आधा किलोमीटर भी नहीं है, तो 1 किलोमीटर की। चलिए खबरों में बात करेंगे अब परेशान बुजुर्गों की। जी हाँ, कुछ बुजुर्ग परेशान हैं जो अपनी पेंशन लेने के लिए कड़कती धूप में खड़े हैं। कोरोना काल में वो भारी भीड़ के बीच में खड़े हैं सिर्फ अपनी पेंशन लेने के लिए। चिलचिलाती हुई धूप में बुजुर्ग लंबी कतारों में बैठे नजर आए और ना तो उनके वहाँ कहीं बैठने का इंतजाम था और ना ही इस भारी गर्मी में उनके लिए पीने के पानी का कोई बंदोबस्त था। पेंशन लेने के लिए बुजुर्ग बैंकों की लाइन में लगे नजर आए और बुजुर्ग सुबह से लंबी कतारों में खड़े नजर आए पेंशन लेने के लिए। कोरोना काल में भारी भरी गर्मी और भारी भीड़ में ये बुजुर्ग खड़े दिखाई दिए। बुजुर्गों ने कहा कि बैंक द्वारा उन्हें कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही, बैंक के द्वारा ना तो उन्हें पीने के पानी की कोई व्यवस्था दी गई है और ना ही इस बढ़ती गर्मी और धूप से बचने के लिए कोई इंतजाम किया गया है। मीडिया के माध्यम से बुजुर्गों ने मांग की है कि उनकी समस्या का समाधान किया जाए। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि वो शुगर व अन्य बीमारियों से ग्रसित है पर कोई सुविधा नहीं है, बैंक के अंदर भी उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि वो धूप में सुबह से पेंशन लेने के इंतजार में खड़े हैं, गर्मी के कारण गला सूखा जा रहा है पर पानी की एक बूंद तक की भी यहाँ सुविधा नहीं है। आप पट टुट ऑपरेशन हो रहे टुट करके मसला आया तो कोई इतने पानी की आए मर लगे कोई इतने पानी बगैर कुछ भी आप देख सकते हो ये लग रही है जो उठ के जाने उठा जाता नहीं लत टुटी ऑपरेशन हो रहे रीढ़ की हड्डी हड्डी होगी। इसलिए खड़े हो जी टेंशन अच्छा यानी कोई बैंक द्वारा कोई पानी की कोई टेंट की व्यवस्था कुछ नहीं दिखता पीन भी नहीं देंगे अंदर भी नहीं जाते खलोता नहीं जाता शुगर के मरीज टेंशन की है ये पता नहीं थोड़े नहीं दिखती 10-12 बंदे ने कहो थोड़े दिन अरे महीने बाद आई जानी दूजे महीने आई जाए कि चलो मिल जाएगी। पेंशन लाने खड़े हैं 5-7 बंदे ने पेंशन दत्ती है धुप देख लो कमी है तो की हाल हो रहा किसी पानी नहीं ढाणी नहीं कोई सुनता नहीं ना अंदर सुने ना कोई बाहर सुने हूँ तुम हिसाब ला लो एक बज के पेंशन वाले बीमार देख लो कमें बैठे ने थले सुबह से खड़े हो हाँ सवा 10 बजे कब से खड़े हो 10 बजे ही खड़े हैं। तो बैंक द्वारा कोई पानी की व्यवस्था या कोई टेंट वगैरह की व्यवस्था की? देश में कोरोना का तांडव चल रहा है, लाशों के ढेर लगे हैं, मोक्ष नगरी में लाशों के ढेर हैं। वाराणसी में अंतिम क्रिया का भी अब व्यापार होने लगा है, कंधा देने के लिए लोग मोल भाव कर रहे हैं। जी हाँ, ये ही हकीकत है। वाराणसी वही शहर है जहाँ मुंशी प्रेमचंद की रचना मंत्र का पात्र भगत जैसे लोग होते थे, जो लोग अपना दुख छोड़कर दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयास करते थे। लेकिन महामारी ने स्थिति ऐसी बना दी है कि अब तो अपने भी दुख में साथ नहीं खड़े हो पा रहे। ऐसे में भगत जैसे तो किरदार नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पैसे लेकर भगत बनने का काम कर रहे हैं। हरिश्चंद्र घाट पर अंतिम यात्रा के दौरान चार कंधे भी अब 4,000 से 5,000 में उपलब्ध हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण के कारण मौत होने पर परिजन भी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे।
स्थितियां ऐसी बनी जा रही हैं कि शव के साथ एक या दो आदमी ही घाट पर पहुंच रहे हैं और ऐसे में शव को सड़क से लेकर चिता तक पहुंचाने के लिए चार कंधों की बोलियां 4,000 से 5,000 रुपए में लग रही हैं। कुछ युवाओं की टोली पैसों के लिए जान हथेली पर रखकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। एक तरफ जरूरत है तो दूसरी तरफ विश्वस्तता। मोक्ष की नगरी काशी में अब चार कंधे भी बिना पैसे के उपलब्ध नहीं हो रहे। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज के साथ। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, उचित दूरी बनाए रहें, घर जाने से पहले मास्क का इस्तेमाल करें और वक्त वक्त पर हाथों को साबुन से धोएं या फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।